सो यार यो व्हाट्सअप गाइस, स्वागत है आपके किसी धासु नेक्स्ट वीडियो में। तो यार आज हम फिर से आ चुके हैं अपने डॉग टाउन गेम के साथ, और हमें कुछ क्लेम करना है स्पिन द व्हील। ओके, देखते हैं हमें कौन सा वाला टॉय पपी निकलेगा, मतलब टॉय कौन सा निकलेगा। ठीक है, सारे दो लेवल के हैं, देखते हैं कौन निकलेगा। बोले सारे टॉय हैं तो लेट्स स्पिन। ओके, कितनी सारी ब्रीड्स है भाई, पोमेरियन, ब्लैक मास्टर, पता नहीं क्या क्या है। मेरे हिसाब से पग निकल जाएगा। ओके मेरे को स्टॉप करना, मैं भूल गया था, लॉल। इंग्लिश बुलडॉग प्लीज। ओके ठीक है, मैंने गलत टाइम पे स्टॉप करा, पर जो भी अच्छा है। मैं इसको नेचर कर देता हूँ। अब 5 घंटे में आएगा फ्री स्पीड अप, 58 मिनट्स में। ओके आ गया। अब हम इसकी और देखते हैं कि इसकी ब्रीडिंग करनी पड़ेगी, तब जाके हमारा वो निकलेगा। देख ही सकते हो भाई, ये हमारा कमरा है। अगर आपने मेरी पिछले वाली वीडियो नहीं देखे तो आप देख लेना। और ये देखो, ये यहाँ पर सो रहा है, हमाइनी है ये, और ये यहाँ पर सो रही है एक्चुअली। ओके मैं भूल गया था, ये हमाइनी है। और ये हमारा क्रॉक फाला। ओके फाला इसका नाम, मैंने एक्चुअली शायद रखा नहीं। हाँ इसका नाम भी मैंने नहीं रखा। एक सेकंड, क्या हम इनके नाम चेंज कर सकते हैं? इधर क्रॉक होगा तो हाँ, क्रॉकेरा। क्रॉक भाई तुम्हारा नाम हम चेंज कर सकते हैं क्या फ्री में? यस गाइस, हम इसका नाम रीनेम कर सकते हैं, ऐसे कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और हमारी हरमाइनी नीचे आ चुकी है, और इसका नाम देखो भाई फैंटा, और इसका नाम तो फलाना रख दिया इन्होंने, फाला फलाना बोल रहा हूँ भाई, क्या ही हूँ। ओके तो जो भी है, हमारे पास अब इनफ कुत्ते मतलब डॉग्स आ चुके हैं। अब हमें ब्रीडिंग करके गोल्डन रिट्रीवर लेना होगा, तो मेरे को सबसे पहले तो वो देखना होगा कि कहाँ है। ओके हाँ ये रहा, ठीक है भाई रुक जा एक सेकेंड, मैं देखना चाहता हूँ डॉग्स पे। ओके सो गाइस, हमें ये मिल चुका है डैशन, तो मैंने निकालना नहीं चाहता फ़िलहाल। मैं देखना चाहता हूँ कि गोल्डन रिट्रीवर कहाँ है, और ये रहा गोल्डन रिट्रीवर, और अब हम इसे निकालने वाले हैं। तो इसके लिए हमें एक पिंक और एक रेड चाहिए। रेड मेरे पास है, जो कि है हमारी हरमाइनी, और हरमाइनी नेक्स्ट स्टोरी इन 12 मिनट्स। ओके तो हमें 12 मिनट्स के बाद आना पड़ेगा। ये क्या है, 200 एक्सपीरियंस मिलेगा, क्या होगा भाई एक्सपीरियंस से? शायद हम कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं। हाँ मैं डॉग्स का ही तक चेक कर लेता हूँ तब तक। इन्वेंट्री ओके, कुछ नहीं है मेरे पे इन्वेंट्री में। डॉग्स है, डॉग्स कार्ड है, और पैच है, फीचर्ड है, डायमंड्स है, डेकोरेशंस है, एसेसरीज है। डॉग्स कार्ड इज ये रहा, ये देख लो इधर पग भी है, तो पग एक टॉय में आता है, पग वाइट और पूडल भी है, ये सारे टॉय हैं। ओके ब्लैक पग एरा, और ये इसका नाम अकिता है, वर्किंग। ओके तो ये वाले वर्किंग डॉग्स है, जो कि मेरे पास एक भी नहीं है वर्किंग डॉग। ओके नो प्रॉब्लम, मैं इधर से जाके क्यों देख रहा हूँ यहाँ पर, मेरे को कुछ समझ ही नहीं आ रहा भाई, यहीं से चलते हैं। ये रहा वर्किंग पे, मेरे पास एक भी नहीं है वर्किंग। अगर कोई भी चाहिए तो हमें एक टॉय और एक ये कौन है भाई, क्या बोलते हैं, हाउंड्स, क्या बोलते हैं इसे, हाउंड्स बोलते हैं, और अगर इधर जाऊँ हाँ तो इसको हाउंड बोलते हैं, हाउंड्स जो भी है ये। तो हमें हाउंड चाहिए और एक टॉय चाहिए, तब जाके हमें निकाल पाएंगे, मतलब वर्किंग निकाल पाएंगे। और वर्किंग में बहुत डॉग्स है, ये
केन कोर्सो है, और ये केन कोर्सो शायद ब्लैक है। तो हाँ, इधर हर एक डॉग के दो दो है, वाइट और ब्लैक दोनों। मैसिव, ओके मैसिव भी एक वॉकिंग डॉग है, तो अगर किसी को चाहिए तो ले सकते हो। और ये गार्ड डॉग है शायद से, हाँ ये हीडिंग मतलब जर्मन शेफर्ड, तो भाई गार्ड गार्ड ही है। देख रहे हो भाई ये रफ कॉली जो जो भी है इसका नाम, ये कितना बड़ा डॉग है ये। मैं इसको ज़रूर निकालूंगा अगर ये निकल पाएगा तो। क्या रिवॉर्ड्स, ओके अगर ये मिल जाता तो अच्छा होता। ये वाइट भी है, ब्राउन ब्लैक सब कुछ है भाई, टेंशन तो है ही नहीं भाई, सब कुछ। जर्मन शेफर्ड वाइट वाला भी है, हाँ और कोई, यस ये ब्लैक जर्मन शेफर्ड है और ये वाइट, हमारे पास ब्राउन वाला निकला है। ओके तो इसमें हर एक डॉग कम से कम दो या तीन बार तो है ही। ये रिट्रीवर वाइट है, ओके ठीक है भाई, नो प्रॉब्लम भाई रिट्रीवर। ओ भाई चार चार, एक ग्रेट डेन कहाँ पर है, पिटबुल है तो ग्रेट डेन कहाँ है, ग्रेट डेन टॉय में आएगा, पता ही नहीं भाई कहाँ है। मेरे हिसाब से वो ऑल में आना चाहिए, मैं सर्च करता हूँ। ओके यस है इसमें ग्रेट डेन, और ये रहा ग्रेट डेन हमारा। तो इसके लिए भी वही करना है, हमें एक टॉय और एक वर्क हाउंड की ब्रीडिंग करानी है, या फिर हमें एक रेड वाला और एक ग्रीन वाला। ग्रीन और रेड तो मेरे पास होंगे, मैं इतना बोल रहा हूँ, रेड का मैं को गारंटेड नहीं है पर ग्रीन होगा। और ये एक्चुअली पर्पिंग है, मतलब पर्पल है, तो ये हाँ वही वाला है वॉकिंग में। ओके हाँ तो यहाँ पर ये रहा ग्रेट डेन, सामने ही था मैंने देखा नहीं। ग्रेट डेन को निकालना है तो हमें एक रेड वाला मेरे पास होगा, यस हमारे पास हर्माइनी है रेड में, और क्या ही करें भाई। मेरे हिसाब से ना मैं इसका नाम ना फंता की जगह सोच रहा हूँ, छोड़ो भाई बाद में रखेंगे, अभी गोल्डन रिट्रीवर आएगा ना उसका नाम हम अच्छा सा रखेंगे, आने तो दो। तो अभी यहाँ पर ब्रीडिंग ही नहीं हो सकती 8 मिनट तक, एक डायमंड देके स्पीड अप ही कर ले, वीटनेस इज फ्री। ओके मैं भूल गया कौन सा करना है, एक सेकेंड भाई, अगर नहीं निकला ना गोल्डन रिट्रीवर, मैं सच बोल रहा हूँ, मैं कुछ तो कर दूँगा, मैं इनके घर पर आके पीट दूँगा। और गोल्डन रिट्रीवर के लिए हमें एक पिंक और एक रेड चाहिए, मतलब हमें अपनी हर्माइनी को पकड़ना होगा, और यहाँ से हमें फंता को पकड़ना होगा जो इसका नाम है फैंटा, फैंटा ओके फैंटा भाई तुम तैयार हो, फैंटा भी लाइक ओके। और हमने हर्माइनी ले ली है और फैंटा ले लिया है, और क्या हम सिलेक्ट कर सकते हैं हमें कौन सा मिलने वाला है, नहीं कर सकते, कर कब गलती से भी कर देंगे तो हमारी इनकी ज़िंदगी कैसे चलेगी। और दोनों से दिल निकालने लग जा रहे हैं, और जा रहे हैं वो घूमने, और हमारा लैब्राडोर सो रहा है कराटे मार के, उसको लैब्राडोर को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। 19 मिनट्स में और ब्रीड डन भी हो गया, स्पिन करेंगे, अगर गोल्डन रिट्रीवर नहीं निकला मैं इनके घर पे आके चाटे मार दूंगा। गोल्डन रिट्रीवर, गोल्डन रिट्रीवर, गोल्डन रिट्रीवर आगे, प्लीज़ 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 ना यार, तू थोड़ा आगे और रुक जाता मेरे को गोल्डन रिट्रीवर मिल जाता, शर्म नाम की चीज़ नहीं है। मैं इसको नेचर नाउ ही कर देता हूँ, कौन है भाई तू, है कौन तू, पता नहीं यार ये गोल्डन रिट्रीवर क्यों नहीं है, फ्री स्पीड अप है, तो फ्री तो अच्छा है फिर हमारे लिए, हमारा क्या ही जा रहा है। ओके हमारा डॉगी बड़ा हो चुका है, और ठीक है कोई ज़्यादा बड़ा डॉगी नहीं है। मैं अपने क्रॉक को राइज अप करवाना चाहूँगा, द मोर कॉइंस दे जनरेट। ओके तो भाई तेरा लेवल बढ़ गया तो तू बड़ा क्यों नहीं हो रहा,
और लैब्राडोर सर, ये बंदा बड़ा ही नहीं हो रहा। मैं दो कॉइन्स दे के सोच रहा हूँ एक और बार कर लूँ ब्रीडिंग। किसकी करनी थी वैसे, मैं भूल गया यार। एक तो ये नाम मैं भूल जाता हूँ, ये नहीं चाहिए यार, गोल्डन रिट्रीवर चाहिए। ये किसे चाहिए? ये रहा, यस गाइस गोल्डन रिट्रीवर चाहिए मुझे। और मुँह है, मतलब मैं इसके लिए कुछ भी करूँगा। फिर से मैं अपना टॉय और हरमाइनी को लेके जाने वाला हूँ। टॉय तो हमारा यही है, हमारा फंता, और हरमाइनी तो पता ही है। दो कॉइन्स हैं तो मिले हैं तो लगा देते हैं। हरमाइनी और फंता, और कर दिया हमने। फंता जा रहा है, हरमाइनी सो, मतलब लिटरली वो बंदी सो के उठी और वो जा रही है। और मेरे हिसाब से मैं इसको यहीं पे एंड कर दूंगा। और पर एक बार गोल्डन रिट्रीवर तो मिलना चाहिए ना। प्री स्पीड अप है, ब्रीड डन हो गई है, स्पिन करेंगे हम। प्लीज़ निकल जाइयो, नहीं निकला तो क्या ही बोल सकते हैं। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, वेल डन ब्रो, वेल डन भाई। तालियां होनी चाहिए यार, मतलब क्या ही बोल रहे हूँ भाई। अब ये कौन है, कौन है ये बंदा भाई, कौन ही है? फ्री स्पीड अप एक तो हर जगह। मेरे को रूम का लेवल अप करना पड़ेगा। अब तो फ्री स्पीड अप हो जा फ्री में एकदम। हमने एक और डॉगी निकाल लिया है, और ये बड़ा भी हो चुका है। ब्राउन स्पॉटेड बीगल है ये, एक्चुअली अच्छा है। मैं इसका नाम डी से निकला है तो हम इसका नाम क्या रखें। मैं सोच रहा हूँ इसका नाम चेंज करूँ, पर होगा कैसे, हो रहा था। ओके, यहाँ पर क्लिक करना है, और मैं इसका नाम सोचता हूँ यार। सो गाइस, मैंने इसका नाम डार्वी रख दिया है, और डार्वी मेरे हिसाब से सही रहेगा। रीनेम कर देते हैं। और हमारी डार्वी कहाँ है? डार्वी ये रहा, मतलब ये रही हमारी बीगल डार्वी। और बाकी तो समझ ही सकते हो आप, हमारे पास 6 कुत्ते हो चुके हैं लिटरली, और अभी तक गोल्डन रिट्रीवर नहीं मिला है। तो यार मेरे हिसाब से इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे एक ऐसी दार्शनिक वीडियो में। और अभी तक हमारा 5 लेवल नहीं हो पाया है, पर मैं सोच रहा हूँ कि अगले वीडियो में हमारा 5 लेवल तो हो ही जाएगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे एक ऐसी दार्शनिक वीडियो में। तब तक के लिए स्टे अवसम एंड बाय बाय।